ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सपा विधायकों ने चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। सपा के दोनों सदनों के सदस्यों ने इस दौरान नागरिकता संशोधन कानून, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार और गन्ना, धान व आलू किसानों की समस्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा के सभी एमएलए और एमएलसी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरने पर बैठे हैं। इस दौरान सपा विधायकों ने हाथों में तख्ती ले रखी है। वहीं सपा विधायक संविधान बचाओ, देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। देखिए, आज सब हम समाजवादी पार्टी के विधायकगण चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना इसलिए दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और जो सरकार कानून बनाया है नागरिकता संशोधन बिल, वो देश हित का नहीं है। सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है और इससे लोगों में दहशत पैदा हुई। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करती है और पूरे प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों का लगभग 10,000 करोड़ रुपया किसानों का गन्ना बकाया नहीं दिया जा रहा, उनका पेमेंट नहीं मिल रहा, गन्ने की तौल में भी परेशानी हो रही है, धान की खरीद नहीं हो रही है, ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है और पूरे प्रदेश का जो किसान है इस समय आत्महत्या करने पर मजबूर है। लेकिन सरकार इन सवालों पर बात हुई है, क्या हो रही है, आप मिलके क्या अपील करना चाहते हैं? क्या हम मिल से अपील करना चाहते हैं कि सरकार जो ये काला कानून है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है उसे खत्म करे और धर्म के इस सेकुलर कंट्री में ये धार्मिक उन्माद और देश को बांटने का और राष्ट्र जनता को धर्म के नाम पर बांटने का काम। जिस प्रकार से कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है, बच्चों को घर भेज दिया गया, आपको लगता है कि सही स्टेप था? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत स्टेप था। इस प्रदर्शन के दौरान नूरपुर से विधायक नईमुल हसन अपनी शर्ट उतार कर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कानून की कड़ी निंदा की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जामिया मिलिया में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या यही गुजरात मॉडल है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जिस प्रकार जामिया मिलिया के छात्र छात्राओं से बर्बरतापूर्ण हिंसा हुई है और विद्यार्थी अभी भी फंसे हुए हैं, यह बेहद निंदनीय है। पूरे देश को हिंसा में फूंक देना ही क्या आज के सत्ताधारियों का असली गुजरात मॉडल है? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।